सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते, हमारी पेशकश बरकरार है। इज़मीर और इस्तांबुल की बंदरगाहें हमें दे दीजिए, मामला खत्म कीजिए। आपके पास 24 घंटे हैं। आप होश में तो हैं? जिस शख्स की जल्द शादी होने वाली है, उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारना चाहती है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या कह रही है? आसन के अलावा और भी लड़कियां हैं अब्दुल कादिर। हमारा दिल उनकी अमानत है वालिदा। क्या आप जिंदगी भर उनका इंतजार करते रहेंगे? अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरे बारे में अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? वरना फांसी हो जाएगी। आप अब्दुल कादिर से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि आपसे उनकी शादी हरगिज मुमकिन नहीं है। अगर हमने 24 घंटे के अंदर कर्ज अदा ना किया तो वो हमारे कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। खिलाफत क्या है जानता हूँ मैं। तो फिर अपनी अदबी जबान से सबके सहन में ये बात बैठाओ कि अरब खिलाफत के हकदार है। तो फिर क्या हम उन्हें कब्जा करने देंगे सुल्तान मौसम? कभी भी नहीं पाशा, हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। अब्दुल कादिर अफंदी अगर अपने इस गैर मुल्की कंपनी को फरोख्त कर दें तो ये मसला हल हो सकता है, क्या कहते हैं आप? शहजादी खदीजा आपके इश्क में इतनी पागल हो गई है कि शहजादी नायमे की मरने की दुआ करती है। बीदार सुल्तान को जब ये पता चलेगा तो वो शहजादी खदीजा का क्या हाल करेंगी? आपकी राय मेरे शौक की दुनिया को बदल सकती है। यानी अगर आपका लिखा हुआ मुझे अच्छा लगा तो आप लिखना जारी रखेंगी? कमालुद्दीन, आपको झूठ बोलना होगा। बात समझिए कमालुद्दीन। सुल्तान मौज़्ज़म, बरतानवी सफीर ने महकमा महसूलात के लिए बरतानवी अफसरान की फहरिस्त भेजी है। मेरे सुल्तान, वक्त बहुत कम रह गया है, कोई हल तलाश किया आपने? क्या हमारी रियासत महसूलात उनके हवाले कर देगी? महसूलात उनके हवाले करने का मतलब है सल्तनत उनके हवाले करना पाशा। आखिर हम इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे? एक ही रास्ता है। हम मदद लेंगे अपने जद उस्मान गाजी, इस रियासत के बानी से। क्या मतलब मेरे सुल्तान? इस रियासत की बुनियाद रखते हुए शेख अदब अली ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु की तलवार हमारे जद उस्मान गाजी को अता की थी। वो तलवार निशानी थी इस बात की कि कौन इस सल्तनत की बुनियाद रखेगा। तुर्कों ने इस मकसद के तहत गाइयों से इत्तेहाद किया। उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनियों के माले गनीमत में से पहले हिस्सा लिया और शेख अदब अली की खिदमत में पेश कर दिया।
वो क्यों? कि अगर रियासत को कोई खतरा लाहक हो जाए तो उस माले गनीमत का इस्तेमाल रियासत को बचाने के लिए किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसकी जरूरत पेश नहीं आई। सुल्तान मौसम, इस वक्त वो खजाना कहाँ है? हम नहीं जानते पाशा। वो खजाना सदियों से सूफी पेशवाओं के पास अमानतन मुंतकिल होता रहा है। मेरे सुल्तान, आप उस्मानिया रियासत के सुल्तान हैं, आपके इल्म में होना चाहिए कि वो खजाना कहाँ है। हर सुल्तान ला इल्म रहा है कि वो कहाँ है। आखिर क्यों? ताकि कोई सुल्तान अगर राह भटक जाए तो इस माल को कभी अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल ना कर सके। मसलन हमारे भाई मुराद अफंदी को फंसा लिया गया था, वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते थे। यही वजह है कि उस माले गनीमत के बारे में हर दौर में हर सुल्तान को इस बारे में ला इल्म ही रखा गया है। रियासत को कर्ज की अदायगी का मसला दरपेश है। हम जानते हैं कि उनकी नजर हमारी बंदरगाहों पर है, कर्ज की वसूली के लिए नहीं बल्कि पाया तख्त के दाखिली और खारजी रास्तों पर इख्तियार के लिए, ताकि वो अपना रसूख बढ़ा सकें और पाए तख्त पर काबिज हो जाएं। वो माल गनीमत हमारी रियासत को बचा सकता है। मैं समझ गया मेरे सुल्तान, लेकिन हम तलाश कैसे करेंगे उसे? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है पाशा। जुमे की नमाज के बाद हजरत उस्मान की तलवार थाम कर खड़े होंगे हम, और उस तलवार को देखकर दरवेशों के शेख को माल गनीमत लाना होगा, क्योंकि उन तक पैगाम पहुंच जाएगा कि रियासत की बका इस वक्त शदीद खतरे का शिकार है। मुरादा फंदी को बुलाइए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आइए पाशा, बीदार सुल्तान आपकी मुंतजिर हैं। आ जाए। सुल्ताना, कमालुद्दीन पाशा आ चुके हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेजिए। सुल्ताना। खुशामदीद कमालुद्दीन, कैसे हैं आप? आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं सुल्ताना। फिरोजे के मुतालिक कोई खास मालूमात मिली आपको? जी मिली है। हमारे सिपाही फिरोजे के बारे में तहकीकात मुकम्मल करके आ चुके हैं। बताइए, उनकी बयान करदा हर बात झूठ है ना? अगर वो खतलब के सामने आ गया तो आपको मालूम है हमारे साथ क्या हो सकता है? सुल्ताना, उसने बिल्कुल हकीकत बताई है। जो कुछ भी उसने कहा है और जो कुछ भी अपने खानदान के बारे में बताया है वो सच है। क्या वाकई? आप जानते हैं कि यह किस दरवाजे की चाबी है? गालिबन ऐसा दरवाजा जो ताले से बंद है। ये महज दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि दरवाजे के पीछे छुपे राज भी खोलती है। जो दरवाजा ये खोलती है वहां हमारी रियासत की अमानतें महफूज हैं। पहले वुजू करो, फिर तोप का भी महल का रुख करो जहां ये अमानतें महफूज हैं। वहां तुम्हें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहु की तलवार मिलेगी, जिसे तुम हमारे पास लेकर आओगे। याद रखना फर्जंद, ये हम दोनों की जिंदगियों से भी ज्यादा कीमती है। चाहे जान चली जाए
अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपकी जिंदगी से कीमती है तो मेरे लिए ये दुनिया की हर शय से ज्यादा कीमती है मेरे सुल्तान। हमें वो तलवार जुमे की नमाज के बाद अपने हाथों में चाहिए मुराद अफंदी। सुल्तान मौज़्ज़म, ग्रेफंड अफंदी आ गए हैं। बहुत खुशी हुई हमें आपको यहां वापस देखकर। मुझे यहां से बाहर ज्यादा अच्छा लगता है शहजादे। हम ये सोचते हैं कि बाहर की दुनिया में आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, परेशान रहते हैं आपके लिए। परेशानी की कोई बात नहीं है मुराद, हमेशा मेरे साथ होते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप मेरी फिक्र ना कीजिए शहजादे। उनका आपके साथ होना हमारी फिक्र में इजाफा करता है। हम आपसे ये चाहते हैं कि आप अब्दुल कादिर से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि आपसे उनकी शादी हरगिज़ मुमकिन नहीं है। शायद आपसे नाउम्मीद होकर वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। मुझे उनकी मौजूदगी में तहफ्फुज़ का एहसास मिलता है शहजादे। आपके बाहर निकलने के इस अचानक शौक का सबब मुराद अफंदी है। आसन, हमें जाना होगा अभी। शहजादे, हम एक अहम मुहिम पे जा रहे हैं, इजाजत दीजिए। कैसी मुहिम मुराद? मामू जान के हुक्म के मुताबिक नमाज जुमा से पहले हजरत उस्मान की शमशीर उनकी खिदमत में पेश करनी है। चले फिर शहजादे। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हैं? तो आपको मेरे साथ तहफ्फुज़ का एहसास होता है, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं ये पहली बार नहीं सुन रहा। मुझे मजबूरन उनसे ये सब कुछ कहना पड़ा। एक इश्क और एक गुरूर, ये दोनों चीजें मुझे एक औरत में बहुत पसंद है। मुझे आपसे कोई इश्क नहीं है, आपने जो सुना वो आपके लिए नहीं था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं सच कह रही हूँ। वैसे भी अपने जज्बात का खुल के इजहार करना अच्छी बात है, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा। देखिए, शर्माइए मत। ग्रेफंड अफंदी, मेरे सुल्तान, आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। हम भरोसा नहीं करते लेकिन यकीन करते हैं। हम मोहतात रहते हैं कि जिन पर हम यकीन करते हैं वो रास्ता ना भटक जाए, एहतियात लाजमी है। बैठिए। मेरे सुल्तान, हमारे इदारे के हिस्से के लिए उम्मीद अफजा ये कुछ पेशकश मिली है। ऐन हमारी जरूरत के मुताबिक। आप राजी हो तो हम आगे बढ़ते हैं और इन्हें फरोख्त करके आप अपना कर्ज आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। वो महसूलात कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्यों मुतालबा किया इस वक्त? मैं समझा नहीं। वो क्यों कब्जा करना चाहते हैं अभी बंदरगाहों पर? मेरे सुल्तान, आप तो जानते ही हैं मैं एक यूरोपियन हूं। वियना के दरवाजों तक तुर्कों की आमद से हमेशा खौफ सता रहे हैं हम। मुझे लगता है कि तुर्क वियना के दरवाजों तक दोबारा ना आ सकें, इसलिए किया जा रहा है ये सब। अगर ऐसा है तो आपने हमसे दोस्ती क्यों की?
मेरे सुल्तान, क्या आप हमारा नजरिया जानना चाहते हैं? हमेशा से मुझे नहीं लगता कि उस्मानिया रियासत दोबारा उरूज हासिल कर पाएगी मेरे सुल्तान, इसीलिए मैं इसे खतरा नहीं समझता। हम कहेंगे कि इतने यकीन से ना कहें आप। इस पेशकश के बारे में क्या ख्याल है? अगर बरतानिया ने महसूलात का इख्तियार संभाल लिया तो हमारे इदारे को काफी नुकसान पहुंच सकता है। मेरे ख्याल से ये पेशकश कबूल करके महसूलात को बचा लेना चाहिए और फिर उसके बाद हम आपके मुताबिक इदारा चलाते रहेंगे। ग्रिफिंडोर फंदी, हम जरूर कर्ज अदा कर देंगे, वो भी इदारे के हिस्से फरोख्त किए बगैर। ये पढ़ा तुमने? हाँ पढ़ लिया। अब तो अब्दुल हमीद की खिलाफत पर रिसालों में भी सवाल उठने लगे हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें आजादी नहीं है। भाइयों, बात ये है कि कौन खिलाफत के लायक है, हम या वो? शायद हम तो इस काबिल नहीं। अगर आप इन्हें आजादी दें तो फिर ये किसी और की बात नहीं सुनेंगे। सब्र खत्म होता जा रहा है मार्को। क्या हुआ? उसने पेशकश कबूल नहीं की, वो कहता है कि कर्ज अदा करेगा। अब्दुल हमीद का वो खेल खत्म करना होगा जो वो हमारे साथ खेल रहा है मार्को। आ जाएं। सुल्तान माजम। आ जाएं पाशा। क्या आपने ये खबर सुनी पाशा? कौन सी खबर मेरे सुल्तान? कोजा यूसुफ, वो अमेरिका से वापस आ रहे थे मगर दौरान सफर एक हादसे की वजह से उनका जहाज डूब गया। अल्लाह दर्जात बुलंद करे, बड़े पहलवान थे। अल्लाह मगफरत फरमाए, बेहतरीन पहलवान थे, बेहतरीन। पाशा, जनाजे के तमाम इंतजामात देख लीजिएगा। फातिहा खानी का इंतजाम किया जाए, खानदान का ख्याल रखिएगा। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, बाहर लोगों के हाथों में यह अखबार है। थियोडोर हर्ज़ल, हद है, इनके पास कोई और मौजू नहीं बचा जो अब ये खिलाफत से भी उलझने लगे हैं। लिखता है खिलाफत पर अरबों का हक है और उस्मानियों ने जबरदस्ती अरबों से उनका यह हक छीना है, और लिखता है कि उस्मानियों के पास कोई निशानी नहीं। फजूल बात है ये। अब ये लोग अखबारात के जरिए कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप भी लिखें तहसीन पाशा, और ये आपके नाम से शाया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कहते हैं कि उस्मानियों ने अरबों से खिलाफत छीनी वो सब गलत हैं, गलत फहमी का शिकार है, कौम को धोखा देने के लिए झूठी कहानी बना रहे हैं। जब उस्मानी सुल्तान
सलीम खान ने मेमलिक रियासत का कला कमा किया था तो उस वक्त उस्मानियों ने खलीफा का खिताब इख्तियार नहीं किया था, बल्कि यह खिताब उन्हें पहले ही मिल चुका था जब सुल्तान सलीम के दौर में मक्का और मदीना को पुर्तगालियों की जानिब से धमकियां दी जा रही थी। हज पर जाने वाले मुसलमानों के जानो माल गैर महफूज थे। उस वक्त सुल्तान सलीम ने मुसलमानों की खातिर जंग का आगाज किया और उस जंग में पूरी तरह दुश्मन को नाकाम बना दिया। जंग खत्म होने के बाद बाहमी रजामंदी से एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के मुताबिक ही खिलाफत उस्मानियों को दे दी गई। ओस्लो अपनी किताब टेबलो डी जनरल ले एम्पायर में लिखते हैं कि खलीफा सफीर के हमरा इस्तंबोल में अय्यूब सुल्तान मस्जिद तशरीफ लाए और उसका इफ्तिता किया और इसी तकरीब में उन्हें तलवार सौंपते हुए खिलाफत का ऐलान किया। हमारे दीन में किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फौकियत हासिल नहीं। फजीलत का वाहिद मयार तकवा है। कौम खिलाफत के खिलाफ इस खेल को खेले जाने वालों के अजाइम से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए। ये रियासत उस्मानिया को तोड़ना चाहते हैं जो आलम इस्लाम के इत्तेहाद की वाहिद मुहाफिज है। दुश्मन का मकसद मुसलमानों पर जुल्म के साथ हुकूमत करना है। खलीफा अब्दुल हमीद खान सानी ये कभी भी नहीं होने देंगे। सुल्तान सलीम ने मक्का और मदीना के खतीब का कहा हुआ ये जुमला दोहराते हुए कहा, मक्का और मदीना के हुक्मरानों को हुक्मरानों के बजाय मक्का मदीना का खादिम करार दिया था और यही वो अल्फाज हैं जिनकी हम पैरवी करते हैं। उस्मानिया रियासत के तमाम सुल्तान अहले इस्लाम के खादिम और मक्का और मदीना के खिदमत गुजार हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार आज उस्मानिया रियासत के सुल्तान खलीफा अब्दुल हमीद खान के हाथ में है। जुमे की नमाज में सुल्तान अब्दुल हमीद खान इस तलवार से उन्हें जवाब देंगे जो राह से भटक गए हैं। ला ग़ालिब इल्लल्लाह। शहजादी, वो देखिए आपके भाई बैठे हैं। भाई जान। शहजादी सादिया, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? ठीक हैं। आप चहलकदमी करने आई हैं? जी भाई, खजा का मौसम आ गया है ना, जमीन से सूखे पत्ते जमा कर रहे हैं हम। ठीक है, आप जमा कीजिए, फिर उसे अभी आती हैं आपके पास। हमें आपसे कुछ पूछना है। हमने सुना है फिरोजे, उस सिपाही को आपने कैद से आजाद करवा दिया, क्या यह सच है? मुझे गलतफहमी हुई थी शहजादे। उस दिन आपने वक्त जाया किए बगैर उसकी तरफ इशारा किया था। घबराहट में गलती हो गई थी, बाद में जब गौर किया तो एहसास हुआ मुझे, माफी चाहती हूँ। यानी जिसने आपको तंग किया वो आजाद है, अगर वो आपको दिखे तो फौरन हमें बताइएगा। कोई गुंजाइश नहीं ऐसे लोगों की महल में। उस शख्स को हम खुद अपने हाथों से सजा देंगे। जी ठीक है शहजादे, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मैं शुक्रगुजार हूं। भाई देखिए कितने अच्छे हैं ना। जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा अब हमें कंपनी जाना है, आप हमें भी अपने साथ लेके चले ना। जी जरूर, चलिए खाने पर मिलते हैं। आइए। सुल्ताना, खदीजा सुल्तान और फहीमे सुल्तान आई हैं। उन्हें भेज दीजिए। आइए।
बहुत खुशी हुई आपको देखकर। खुश आमदीद। इजाजत कैसे मिल गई? हमने ये कहा कि आप याद कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बैठिए। यकीनन कोई मसला दरपेश है, चले आकर बैठे यहां। अब हमें बताइए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर ये कमालुद्दीन के मुतालिक है तो हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि हमें नहीं सुनना। पप्पी जान, हम मुश्किल में हैं, खुदा रहा हमारी मदद कीजिए। ये सब आपकी जिद का नतीजा है खदीजा, अब आप शिकायत करने का हक खो चुकी हैं। इस बार मसला जरा मुख्तलिफ है फिरोजे, बाजी का कमालुद्दीन को लिखा गया खत मिल गया है उसे। क्या? कमालुद्दीन पाशा को अपनी सच्चाई बिदार सुल्तान को बताने से रोकने के लिए वो उन्हें धमका रही है। कमालुद्दीन भी बहुत परेशान है, इस वजह से उन्होंने अपने फर्ज से रुगर्दानी की है। हमें बचाने के लिए बिदार सुल्तान से झूठ कहा उन्होंने। और वो खत अब भी फिरोजे के पास है। वो खत हमारी मौत का फरमान है। हम भीख मांगते हैं, सिर्फ आप ही वो खत फिरोजे से हासिल कर सकती हैं। खुदा का वास्ता है आपको, हमारी मदद कीजिए पप्पी जान। इतने सालों बाद जब मैं यहां आया हूं तो रियासत को मुश्किल दौराहे पर खड़ा देखा। सूरत हाल को देखें तो बैंकारों की वजह से रियासत मुश्किल हालात में खड़ी है। ये मसला सुल्तान से सालों तक छुपा रहा, अगर ये बात उनके इल्म में होती तो वो मसले को हल कर चुके होते। हमारी कंपनी बहुत कीमती है, अगर आप इसके कुछ शेयर्स फरोख्त कर दें तो कर्जा बआसानी अदा हो सकता है। खरीदार मैं तलाश कर लूंगा। फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है ग्रेफिन साहब, लेकिन अगर हमने ऐसा सोचा तो सबसे पहले आपको बताएंगे इस बारे में। यह काम मुख्तसर तरीन अरसे में हो जाना चाहिए। अगर बर्तानिया ने दबाव बढ़ाया तो कंपनी का काफी नुकसान हो सकता है। सुल्तान मौसम इस मुश्किल का हल निकाल लेंगे, हमें पूरा यकीन है। वो कर लेंगे, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई शहजादे। क्या सुल्तान किसी से कर्ज ले रहे हैं? नहीं, रियासत के पास इस कर्ज को उतारने की ताकत है। अगर जुम्मे की नमाज में खलीफा हजरत उस्मान की तलवार थाम कर खड़ा हो जाए तो खजाने का मुंह खुल जाता है। खदीजा, क्या बेवकूफी की है आपने। हम सिनेहा सुल्तान इस वक्त एक खादमा के हाथ का खिलौना बन चुके हैं, हद हो गई। पप्पी जान, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि वो खत किसी भी तरह फिरोजे से ले लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। खुद को संभालिए आप, रास्ता निकाल लेंगे पप्पी जान। शहजादी, आपने बताया नहीं कि आप बाहर जा रही हैं। हर बात आपको बताना जरूरी नहीं समझते हम। आपके मंगेतर की हैसियत से ये जानना हमारा हक है, और अगर आपने हमसे कहा होता तो हम आपको खुद आपकी पसंद की जगह पर ले जाते। इजाजत दीजिए। हमें क्या पकाना सिखाएंगे फादर उस्ताद? फोदूला बनाना सिखाएंगे। सिनेहा पप्पी। शहजादी सादिया। महमूद पप्पा भी आए हैं? नहीं, वो नहीं आए, उन्हें कुछ काम था। हमें भी काम है। हमें भी बताइए आपको क्या काम है। फोदूला बनाना है हमें आज। वाह, क्या बात है भाई, हमें भी खाना है, हमारे लिए बचा के रखेंगे ना। ठीक है।
अच्छा फिरोजी कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी, आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही कोई बात नहीं है, आप जाइए खाना बनाना सीखिए आप लोग। आ जाओ। अब्दुल हमीद उस मुसीबत से निजात पाने वाला है जिसमें हमने उसे फंसाया था। मार्को, इस बेच दिए? नहीं। क्या आपको कैसे पता चला ये? शहजादे के मुताबिक अब्दुल हमीद खलीफा उस्मान की तलवार थामेंगे जुमे की नमाज के बाद, जो तोप काफी महल में हिफाजत के साथ रखी हुई है। कहते हैं कि ये एक शानदार खजाने की कुंजी है जिसमें तमाम मसाइल का हल मौजूद है। अब्दुल हमीद खुतबे में खाली हाथ होना चाहिए। मार्को, वो तलवार लाऊंगा मैं। सनेहा सुल्तान, फिरोजे आप शायद अपने हवास खो बैठी हैं। वो खत फौरन हमें दीजिए। फिरोजे, हम कहते हैं वो खत हमें फौरन दीजिए। हरगिज नहीं, वो खत अपने पास रखूंगी। क्या मतलब है आपका? कमालुद्दीन पाशा को सब पता चल चुका है। अगर मेरे पास शहजादी खदीजा का खत ना होता तो बीदार सुल्तान को सब कुछ बता चुके होते। अच्छा, तो आप उन्हें इसी तरह धमकाती रहेंगी? फिरोजे, आप ये बहुत घटिया हरकत कर रही हैं। असल में तो घटिया हरकत कमालुद्दीन पाशा और शहजादी खदीजा कर रही है, बेचारी शहजादी नायमे को धोखा देकर। आपको ऐसा नहीं लगता? अगर आपने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो आप यकीन कीजिए हमारी बात का, हम आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे, ये मत भूलिएगा आप। समझ गए? वैसे आपको देख के लगता नहीं कि आपने कोई नेक अमल अंजाम दिया होगा। मुकद्दस अमानतों के मकाम में दाखिल होना, खलीफा हजरत उस्मान की तलवार को हाथ में लेना नाकाबिले यकीन सआदत है। ये सुल्तान मुअज्जम की मेहरबानियों का असर है। आपके पास भी अच्छी वजह है मुझे पसंद करने की। हमारे सुल्तान ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके खानदान में आपके जैसा इंसान पैदा होगा। यानी इसका मतलब है मेरे जैसा खूबरू, बहादुर, समझदार और पुरएतमाद शख्स नहीं हो सकता? नहीं, मेरी इस बात का मतलब है बदतमीज और खुद पसंद इंसान। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया? लड़ना बंद करो तुम दोनों, सर में दर्द कर दिया तुम लोगों ने। चलो भाई, आखिरकार पहुंच गए। क्या करना है? आप अंदर जा रहे हैं, हम तुम हमारा बाहर दरवाजे पर इंतजार करोगे और आप यहां इंतजार करेंगी। हम यहां क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे आदमी के पास नहीं रहना चाहेंगी जिससे इतनी शिकायतें हैं आपको। चले, हम आओ चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अगर आवाज निकाली तो खेल खत्म। जान, हम आपसे बात करना चाहते हैं खदीजा सुल्तान। ये वक्त मुनासिब नहीं है, बाद में बात करेंगे हम। मुख्तसर बात करेंगे, फिक्र मत करें। ठीक है, आइए। कहिए, सुन रहे हैं हम
और हमारे भाई ने यतीमी भरा बचपन गुजारा है। वो हमारे बड़े भाई भी हैं और बाबा भी। वो जरा मुख्तलिफ हैं और हसास भी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। खुदारा उनका दिल मत तोड़िएगा। इस वक्त आप एक शहजादी से मुखातिब हैं। अपने मशवरे अपने पास रखिए। सुल्ताना, शहजादी हम तो सिर्फ। आपने अपनी हद उबूर की है गुलनास खातून। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आपके हक में यही बेहतर होगा कि आप लौट जाएं। रुको, रुक जाओ, आगे मत आना। देखो फिर मुलाकात हो गई। कौन हो तुम? लड़की को छोड़ दो। पिस्तौल फेंक दो। इसे जाने दो। मैंने कहा पिस्तौल फेंक दो। मैं कहता हूँ लड़की को जाने दो। मुराद पुरसुकून रहो, तलवार मुझे दे दो। पहले लड़की को छोड़ो। सुना नहीं, तलवार दो मुझे। तहम्मल से मुराद, तलवार मुझे दे दो वरना इसकी जान जाएगी। तुम्हारे नापाक हाथ इसको कभी भी छू नहीं सकते। मुराद आराम से, मेरे हाथ साफ हैं। लेकिन अगर तलवार मुझे नहीं दी तो इसके खून से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। पिस्तौल फेंक दो वरना मार दूंगा इसे। मुराद अफंदी पुरसुकून हो जाए, हसन की जान दांव पे लगी है। ठीक है, आखिरी दफा कह रहा हूं मैं। ठीक है, आराम से, हम रख रहे हैं, पुरसुकून हो जाओ। ठीक है, लेकिन पहले तुम इस लड़की को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले ये तलवार मेरे हाथ में दो। लेकिन तुम लड़की को जाने दोगे? दो मुझे। आसन, इसे पकड़े। माफ कर दो मुझे। कुछ नहीं होगा आसन, पुरसुकून रहो। तलवार लो उससे जल्दी, चलो। ये लीजिए। वहीं रुको। ठीक है, तुम्हें तलवार मिल गई, अब इन्हें छोड़ दो। छोड़ दो इन्हें। मुराद तहमल से, संभल कर मुराद। आगे मत आओ वरना मार दूंगा इसे। आ जाओ लड़की, आ जाओ, चलो। तेज चलो। चलो जल्दी, चलो चलो। चलो आगे बढ़ो उस्मान, चलो जल्दी। मुझे तो तलवार, क्या कर रही हो, मरना चाहती हो क्या? हाँ चलो जल्दी। माफ कर दो मुझे। तलवार हाजिर है। वो तलवार
जुमे की नमाज से पहले तुम्हें लेकर आनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें जिल्लत उठानी पड़ेगी। मकारी कर रही है कमालुद्दीन पाशा, हकीकत से वाकिफ है, आप उनसे खुद पूछ लीजिए शहजादे। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। तारीख रकम होते देख रहे हो तुम, आज अब्दुल हमीद जिल्लत से नहीं बच सकेगा। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी खत्म करके तुम भी नहीं बच पाओगी।